Hello everyone, welcome to Elite Script. In this particular session, we are going to discuss an important concept of spring and pen balance. हम लोगों ने अपने लास्ट तीन कॉन्सेप्ट में तीन लैब में अलग अलग चीजें डिस्कस करी हैं. फोर्थ लैब में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ था और काफी स्टूडेंट को इसमें इशू आ सकता है अगर ये क्वेश्चन आ जाए. गलती होने के चांसेज हो सकते हैं, तो इसी को कवर करने के लिए हम लोग आज स्प्रिंग और पेन बैलेंस पे चीजें डिस्कस करने वाले हैं. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कैट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कैट में इसके और पास्ट में भी आए हुए और हो सकता है तुम्हें मिल जाए. तो स्टार्ट करते हैं. जो आपको आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, दिस इज योर पेन बैलेंस. ये क्या है? पेन बैलेंस है. पेन बैलेंस की खासियत क्या होती है कि पेन बैलेंस डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. आप समझोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन क्या बनता है कि हम लोगों को लेट करो 1 to 100 केजी तक राइस बैलेंस करने, तोलने राइस 1 to 100 केजी तक. और हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ वेट यूज करें, मिनिमम नंबर ऑफ वेट यूज करें. मतलब वेट का मतलब ऐसे 1 kg का है ना, बांट कहते हैं हिंदी में. वेट 1 kg का हो, 3 kg, 8 kg, 4 kg, ऐसे करके जो वेट हो हमारे पास वो मिनिमम केजी के हो और उनको यूज करके ही हम लोग 1 to 100 तक जितने भी केजी हमको नापने हो, तोलने हो, बेसिकली 18 kg तोलने हो या 20 kg बैलेंस करने हो, सब बैलेंस हो जाए. अंडरस्टैंड दैट. हम लोगों ने 1 kg, यहां पे राइस लिख रहा हूं मैं, हम लोगों ने 1 kg राइस लिया. 1 kg राइस के लिए यू हैव टू टेक 1 kg वेट. ये वेट है मेरे, तुमने 1 kg का वेट लिया, यहां पुट किया 1 kg का वेट और यहां पे तुमने 1 kg राइस पिक कर पुट कर दिए, तो तुम्हारा बैलेंस हो गया. अच्छी चीज है. अब तुम्हें 2 kg राइस वो करना है. तो पेन बैलेंस की खासियत ये होती है कि इसको डिफरेंस पे बहुत अच्छा वर्क कराते हैं. डिफरेंस का मतलब ये कि अब तुम वेट 3 kg का लोगे क्योंकि तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ वेट चाहिए. तुम्हें यही निकालना है कि कितने मिनिमम वेट हम यूज कर पाए. तो पहले मैंने 1 kg यूज किया, अब मैंने 3 kg यूज किया, तो तुम 3 kg क्या करोगे कि यहां पे तुमने 3 kg का वेट रख दिया. यहां पे 3 kg का, एक में 3 kg रख दिया, एक में 1 kg, जिसमें 1 kg है उसमें 2 kg का राइस रख दिया, तुम्हारे 2 kg भी वो हो गए. अब बात आती है 3 kg की. 3 kg डायरेक्टली 3 kg एक में रखोगे, एक में राइस रख दोगे. बात आती है 4 kg की. 4 kg के लिए 3+1 एक में रख दोगे, 3 kg और 1 kg का एक में वेट रख दोगे, यहां वाले पे 4 kg राइस रख दोगे, 4 kg भी हो गया. बात आती है 5 kg की. 5 kg 1 और 3 से तो कर नहीं सकते हो, तुम्हें 4-5 मिनिमम चाहिए. तो तुम क्या करोगे, अब तुम डायरेक्टली 9 kg पे आ जाओगे. क्यों मैं डायरेक्टली 9 kg पे आ जाऊंगा, बिकॉज पेन बैलेंस 3 के बेस पर वर्किंग हो जाती है. कैसे? अब तुम्हें 5 kg चाहिए, तो तुमने 3+1 एक साइड पे रखा, 9 kg का वेट एक साइड पे रख दिया. तो 4 kg का वेट ये है, 9 kg, 4 kg वेट ये रखा है, 9 kg वेट रखा है, 5 kg राइस में यहां रख दूंगा. अब मुझे 6 kg राइस चाहिए, तो 6 kg राइस चाहिए, 9-3 कर लूंगा, एक में 3, एक में 9. मुझे 7 kg का राइस चाहिए, 7 kg के राइस के लिए मैं क्या करूंगा, 9 और 1 एक में रख लूंगा, एक में 9+1 का वेट दे दूंगा, एक में मैं 3 का वेट दे दूंगा, वहां पे 7 kg राइस रख दूंगा. मुझे 8 का चाहिए, 9-1 कर दूंगा. मुझे 10 चाहिए, 9+1, मुझे 9 चाहिए तो 9 ही रख लूंगा, 10 चाहिए, 9+1 रख दूंगा, 11 चाहिए, 9+3-1 रख दूंगा, 12 चाहिए, 9+3 रख दूंगा, 13 चाहिए, 9+3+1 रख दूंगा. मतलब 13 kg तक तुम सारे वेट बना सकते हो. मतलब 1 kg, 3 kg और 9 kg से, 1 kg से लेके 13 kg तक के तुम सारे वेट कवर कर सकते हो. अब अगर तुम्हें 14 kg का कवर करना है, तो अब तुम कहां पे जाओगे, 27 kg पे, 27 kg पे जाओगे. एक जगह पे 27 का रख दोगे, एक जगह पे 1+3+9 का रख दोगे, तो 27-13 14 का वहां पे रख दोगे, 15 चाहिए, 16 चाहिए ऐसे. अब कितने तक वेट कर सकते हो, अब तुम 1 kg से लेके 1+3+9+27 तक के सारे वेट कर सकते हो. मतलब 1+3 4 9 13 40 तक के.
मतलब 1 kg से 40 kg तक के करने हो अगर तुम्हें वेट, तो तुम्हें कितने मिनिमम वेट चाहिए? मिनिमम 4 वेट में तुम्हारा काम बन जाएगा। अब इसके बाद अगर तुम्हें 41 चाहिए होगा तो तुम क्या करोगे, तुम 60 है ना, 41 चाहिए होगा तो तुम 81 kg वाला ले लोगे, 81 kg वाला वेट ले लोगे, तो ये चारों एक साइड पे, एक साइड पे 81 रख दोगे, तुम्हें 41 मिल जाएगा 81 तक। अब अगर तुम्हें लेट करो, जब तुमने 81 ले लिया तो 1 + 3 + 9 + 27 + 81 यहां तक के तुम सारे वेट इन पांच से कवर कर सकते हो, 1 + 3 + 9 + 27 + 81 तक के सारे वेट तुम्हारे यहां पे कवर हो जाएंगे। इसी पर बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। जैसे ये क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें, जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन कह रहा है कि टू मेजर द वेट बिटवीन 1 to 100 हाउ मेनी मिनिमम वेट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट ऑल वेट कैन बी मेजर्ड, कितने मिनिमम वेट रिक्वायर्ड हैं जिससे सारे वेट मेजर किए जा सके, ऑल वेट मेजर किए जा सके। तो तुम देखो, पहले तुमने 1 से 100 तक पेन बैलेंस की बात हो रही है, 1 लोगे 3 लोगे 9 लोगे 27 लोगे, इन चारों से कहां तक के हो जाएंगे, 40 तक के, फिर तुम 63 पे आ जाओ, सॉरी 81 पे आ जाओगे, तो 81 से कहां तक के हो जाएंगे, 81 + 40 = 221 तक के सारे वेट यहां पे हो जाएंगे। अब अगर इसके बाद तुम 243 ले लो, 81 के बाद तुम अगर 243 ले लोगे तो 243 ले लोगे तो 243 से कहां तक के सारे वेट हो जाएंगे, 243 + 121 = 463 तक के सारे वेट तुम कवर कर सकते हो, जितने भी वेट तुम्हें कवर करने, यू कैन कवर दोस। तो इस तरह से हम लोग 243 इनकी हेल्प से, मुझे 1 से 100 तक निकालना था, 1 से 100 तक मुझे पूछ रहा था, मैं 1, 3, 9, 27 लूंगा, फिर मैं एक 81 भी मुझे लेना पड़ेगा, तो 1 से 100 तक के सारे वेट में कितने में, मुझे 5 वेट की रिक्वायरमेंट है, मुझे 5 वेट चाहिए जिससे मैं सारे कवर कर लूंगा। तो 3 की बेस पर इसकी वर्किंग हो रही है, तो जस्ट रिमेंबर दैट कि 3 की बेस पे पेन बैलेंस की वर्किंग है, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। सेकंड कॉन्सेप्ट ये तुम्हें दिख रहा है, दिस इज लिखा हुआ है यहां पर स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारा है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है दैट विल वर्क ऑन द एडिशन कॉन्सेप्ट बेसिकली। क्या इसमें कि दो जगह तो है नहीं कि जहां पे एक तुम वो रख दो, वेट रख दो, दूसरी पे रख दो, उसका डिफरेंस भी कर लो, नहीं यहां पे एडिशन होता है। अब जैसे मान लो कि 1 से 100 केजी तक के राइस तुम्हें सारे कवर करने हैं, 1 से 100 तक के, तुमने पहले ये राइस लिखा, यहां पे हम लोग वेट ले रहे हैं 1 kg राइस, यू विल टेक 1 kg वेट, 2 kg राइस, तुम्हारे पास कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, 2 kg वेट है ना, फिर 3 kg राइस। अब ये दोनों ऐड करके ना, जैसे जिम में होता है ना, वेट बढ़ाते चले जाते हो, उतना वेट तुम पुल करते हो, सेम चीज यहां पे, पहले 1 kg फिर 2 kg, अब तुम 1 + 2 करके ही 3 kg कर लोगे, तो 3 kg के वेट की अलग से नीड नहीं है, 1 रखा उसके ऊपर 2 रख दिया 1 + 2 पे, तुम्हें 4 kg चाहिए तो तुम्हें 4 kg लेना पड़ेगा, तुम्हें 5 kg चाहिए तो 4 + 1 तुम्हें 5 दे देगा, तुम्हें 6 kg चाहिए तो 4 + 2 तुम्हें 6 दे देगा, तुम्हें 7 kg चाहिए तो 4 + 2 + 1 7 दे देगा। अब तुम्हें 8 kg लेना पड़ेगा अगर तुम्हें 8 kg राइस तोलने, 9 kg की अगर बात करें तो 8 + 1, 10 kg की अगर बात करें तो 8 + 2, 11 की बात करें तो 8 + 2 + 1, 12 की बात करें 8 + 4, 13 की बात करें 8 + 4 + 1, 14 की बात करें 8 + 4 + 2, 15 की बात करें 8 + 4 + 2 + 1, 16 अब तुम्हें लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें 32 लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें 64 लेना पड़ेगा, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर मैं 2 वेट लूंगा 1 और 2 तो मैं कहां तक के वो कर सकता हूं वेट कवर, 3 तक के। अगर मैं 1, 2, 4 लेता हूं तो मैं कहां तक के वेट कवर कर सकता हूं, 7 kg तक के। अगर मैं 1, 2, 4, 8 लेता हूं तो मैं कहां तक के वेट कवर कर सकता हूं, 15 तक के। अगर मैं 16 तक लेता हूं, 1, 2, 4, 8, 16 लेता हूं तो मैं कहां तक के कवर कर सकता हूं, 31 के। अगर मैं 32 वाला लेता हूं
तो मैं कहां तक के कवर कर सकता हूं, 63 के। अगर मैं एक और आगे ले जाता हूं, मैं 64 लेता हूं एक और, तो मैं कहां तक के कवर कर सकता हूं, 127 तक के। इस तरह से इनके वेट की कवरिंग होती है कि अगर तुम्हारे पास 1 2 4 8 16 32 है तो तुम 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 एक जगह रख के 127 केजी तक कवर कर सकते हो। कोई भी नंबर आएगा 127 तक, कोई भी वेट तुम्हें तोलना होगा तुम तोल सकते हो। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है दैट विल वर्क ऑन टू बेस, बेसिकली टू की वर्किंग पे हो रहा होता है। पहले 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। आई होप ये क्लियर होगा तुम्हें कि पेन बैलेंस 3 की वर्किंग पे और जो तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस है वो 2 की वर्किंग पे। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू मेजर द वेट बिटवीन 1 to 100 हाउ मेनी मिनिमम वेट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट ऑल वेट कैन बी मेजर्ड। तो तुम स्प्रिंग बैलेंस कह दिया उसने, तो 1 2 4 8 16 32 है ना, फिर 64, मतलब कितने तुम्हें लेने पड़ेंगे, यू हैव टू टेक 7। तुम्हें 7 पे वर्किंग करानी होगी। मिनिमम वेट्स तुम्हें कितने चाहिए, मिनिमम 7 वेट्स चाहिए तुम्हें, मिनिमम 7 वेट्स की तुम्हें रिक्वायरमेंट है जिससे तुम अपनी 1 से 100 तक कोई भी वेट आता रहे तुम्हारे सामने उसको बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन दे दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेइंग ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल वेट्स टिल 63 केजी ऑफ वेट इफ ओनली वन वेट ऑफ 1 केजी इज अवेलेबल। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं तो हम लोग इसको नहीं जाते, हम लोग एक दूसरी वैरायटी कवर कर लेते हैं जिससे कि तुम्हारा पूरा एक बार वो हो जाए प्रोसेस। इस क्वेश्चन को रीड करो। कह रहा है कि इन अ कंट्री द करेंसी कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, इफ सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन इज 63 यूनिट ऑफ करेंसी देन मिनिमम नंबर ऑफ डिनोमिनेशन दैट कैन बी देयर सो दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड। नाउ अंडरस्टैंड, करेंसी किसकी तरह है, करेंसी पेन बैलेंस की तरह है या स्प्रिंग बैलेंस की तरह? अगर तुम रिलेट कर पाओगे यू कैन अंडरस्टैंड कि करेंसी किसी को दोगे वो एडिशन के टर्म पे चलती है। ऐसा नहीं है कि तुमने 3 रुपीज है और 1 रुपीज है, तुम कहो कि 3 - 1 ये लो 2 रुपीज, ये नहीं, 3 + 1 ये लो 4 रुपए, ऐसे चलता है ना कि अगर तुम्हें किसी को देने हैं तो 3 + 1 पे वर्किंग होगी। तो वो जो हम लोगों की करेंसी होती है वो पेन बैलेंस पे वर्किंग करती है, पेन बैलेंस पे। मतलब क्या है कि तुमने पहले 1 रुपीज दिए, 1 रुपी का एक क्वाइन तुम्हारे पास था वो तुमने यूज किया, फिर तुमने 2 रुपीज का क्वाइन यूज किया, 63 रुपीज तक देने, हर सम ऑफ ऑल डिनोमिनेशन इज 63 यूनिट ऑफ करेंसी देन मिनिमम नंबर ऑफ डिनोमिनेशन दैट कैन बी देयर सो दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर दिस। मतलब 63 तक तुम्हें सारी डिनोमिनेशन कुल मिला के कवर करनी। ये क्वेश्चन है बेसिकली कि 63 तक ऑल डिनोमिनेशन, इफ सम ऑफ ऑल डिनोमिनेशन इज 63 यूनिट ऑफ करेंसी, 63 यूनिट ऑफ करेंसी देनी है और अलग अलग डिनोमिनेशन यूज करके, उसमें कहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिनोमिनेशन कैन बी देयर सो दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड, जितने ट्रांजेक्शन हो 63 यूनिट तक सारे बनाए। ये बेसिक मतलब है क्वेश्चन का। तो 1 रुपीज 2 रुपीज, अब तुम्हें 3 रुपीज देने हैं तो 1 + 2 करके दे दोगे, 3 रुपीज दे दोगे। तुम्हें अगर 4 रुपीज देनी है तो कैसे दोगे, 3 + 1। देखो तुम्हारे पास 1 रुपीज था, तुमने 1 रुपी का एक पिक किया, समझना, तुमने एक 1 रुपी का क्वाइन है, ये क्वाइन है कोई भी क्वाइन पेपर जो भी 1 रुपी का, फिर तुमने 2 रुपी का क्वाइन लिया। अब अगर तुम्हें 3 रुपीज अगर पे करने हैं तो 1 + 2 करके 3 दे दोगे। फिर बात आती है अगर तुम्हें 4 रुपीज पे करने हो, अगर तुम्हें 4 रुपीज पे करने हो तो तुम्हें 4 रुपीज अलग से लेना पड़ेगा। फिर तुम्हें अगर 5 रुपीज पे करने हैं तो 4 + 1 5 पे कर लोगे। तुम्हें 6 पे करने हैं 4 + 2 6, 7 पे करने ऐसे, फिर 8 रुपीज का कोई क्वाइन लेना पड़ेगा। फिर तुम्हें 16 रुपीज का क्वाइन लेना पड़ेगा। फिर तुम्हें 32 रुपीज का क्वाइन लेना पड़ेगा। जब 32 रुपीज का क्वाइन लोगे तो इसकी हेल्प से तुम 63 रुपीज पे कर पाओगे, 63 रुपीज। तो अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं कि इफ सम ऑफ ऑल डिनोमिनेशन इज 63 यूनिट ऑफ करेंसी देन मिनिमम नंबर ऑफ डिनोमिनेशन दैट कैन बी देयर सो दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर, मिनिमम कितनी डिनोमिनेशन यूज कर सकते हो, मिनिमम यू कैन यूज 3 3 6 डिनोमिनेशन यूज करके 6 डिनोमिनेशन
यूज करके यू कैन पे 63 rupees. तुम 63 rupees पे कर सकते हो. मिनिमम कितनी डिनोमिनेशन? 6 denomination यूज करके. मतलब किस पे वर्किंग होती है? स्प्रिंग बैलेंस की तरह. आई होप कि ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है. कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अपना फीडबैक जरूर देना. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें. तो थोड़ा सा आई होप कि मैं पॉइंट क्लियर कर चुका हूं कि क्यों 3 की वर्किंग पे होता है, क्यों 2 पे वर्किंग करता है, और क्यों इस तरह से डिनोमिनेशन में एडिशन हो रहा है ना. जैसे तुम 3 rupees पे करने तो 1 और 2 मिला के पे कर सकते हो, तो 62 rupees 6 पे. आई होप ये क्लियर होगा तुम्हें. ठीक है, ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और सेशन के साथ, किसी 5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन के साथ किसी समय. ठीक है, ओवर करते हैं. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियोज. थैंक्स.